हेलो। तो फाइनली मेरे चैनल पर वीडियो आने वाली है, वो भी इतने दिनों बाद। और वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ ही गया होगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे माइनक्राफ्ट ऑप्टिफैब्रिक में आप मोड इंस्टॉल करें। तो बेसिकली मोड इंस्टॉल करने से पहले आपको एक मोड मेन्यू नाम का जार इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आप इन गेम अपने मोड्स को कस्टमाइज या फिर सिलेक्ट और डीसीलेक्ट कर सकें। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इसके लिए बेसिकली आपको एक जार इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा मोड मेन्यू। आपको स्क्रीन पे कहीं उसका आइकन दिख रहा होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। आप उसे किसी भी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कर्स फोर्ज या फिर उसके सब्सिडरी वेबसाइट लाइक मोड्रिंथ और नाइन माइनक्राफ्ट से भी, जो आपके डिवाइस में सपोर्टेड हो। कितने लोगों में मतलब कर्स फोर्ज नहीं चलता है, तो ये दोनों से आप कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली अपना जेड आर्चीवर ओपन कर लेना है, जो कि मैं भी कर लेता हूँ अपना जेड आर्चीवर ओपन। तो चलते हैं अपने आर्चीवर के स्क्रीन पे। तो आर्चीवर में जाने के बाद आपको सबसे पहले जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वो वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का वो दिखेगा, मोड मेन्यू .1.0, मतलब वही ये सारे नेम के दिखेंगे, जार .jar लास्ट में लगा हुआ। इसको आपको सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी या कट कर लेना है। उसके बाद इसको अपने डिवाइस स्टोरेज सिलेक्ट करने के बाद नीचे अपने एंड्रॉयड, उसके बाद डेटा, उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो netcat.pojab सिलेक्ट कर लेना है। मैं साइड में ही लिख दूंगा कहाँ पे करना है। उसके बाद फाइल्स, उसके बाद .minecraft, उसके बाद मोड्स में जाके फाइनली इसको ग्रीन वाला बटन दबा के पेस्ट कर देना है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं था, ये भी इजी है। साइड में मैं कहीं लिख दूंगा कि आपको आसानी से मतलब फाइल पाथ पता चल जाए कहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपका सक्सेसफुली पेस्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर वर्क करेगा तो कैसे करेगा। चलिए सीधे माइनक्राफ्ट के स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आपका सक्सेसफुली ये मोड लग जाएगा तो यहाँ पे एक मोड्स का सेक्शन अनलॉक हो जाएगा, जो कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं रहता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके सारे मोड्स की डिटेल रहेंगे, जितने आपने इसमें यूज़ किए हुए हैं उसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो। चलिए आउटरो में सीधा आपसे मिलते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको जानना है कि कैसे ऑप्टिफैब्रिक अपने 1.20.1 में लगाएं, तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पर होगी। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी मतलब इससे रिलेटेड चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल मोड्स कैसे डालें, सारे मोड्स, बेटर पीवी मोड्स, मतलब ये सारे मोड्स के लिस्ट, मतलब बेस्ट मोड आपको सिलेक्ट करके हम कैसे डाउनलोड करवा दें, तो बताइएगा। मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और आप इजी से उसको इंस्टॉल करके खेल सकेंगे। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया है तो लीव अ लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें ये प्रॉब्लम आती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।